गैर हतमी नतज किसके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले पेशावर से कॉन्टेस्ट करते इस बार ये सीट भी हमें पीटीआई के फेवर में जाती हुई नजर आई है। कॉन्टेस्ट करते हुए यहाँ पर हम मजीद इन कॉन्टेस्टेंट्स के हवाले से बता चले। इसके अलावा अगर हम बात करें अब सिंध का कुछ जिक्र करते चले और तो सिंध में हमने यहाँ से हम आपको बताते चले कि अगेन थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम हमें ये कॉन्स्टिट्यूएंसी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के हक में जाती हुई नजर आ रही है पीटीआई की कैंडिडेट। सबसे पहले पंजाब का जिक्र कर लेते हैं और शुमाली पंजाब में रावलपिंडी की बात कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख के अलावा नाज़रीन हम जिक्र कर लेते हैं वफाकी दारुलकूमत इस्लामाबाद का दो सीट्स थी और उनके हवाले से हम आपको बताएंगे कि सूरत हाल क्या रही। वफाकी दारुलकूमत इस्लामाबाद में दो सीट्स हैं NA-48 NA-49। मुल्तान का हम जिक्र कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जिक्र कर लेते हैं वादी मेहरान सिंध का, मुख्तलिफ हैदराबाद के हल्कों का जिक्र कर लेते हैं, कराची का, पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, पिशावर का जिक्र कर लेते हैं। तो ये तो थी सिंध के इंतखाबी हल्कों की सूरत हाल जिससे हमने आपको आगाह किया और वक्तन फवक्तन जो ही नताइज मजीद भी आते रहेंगे हम आपको इस हवाले से बताते रहेंगे।